गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा 12th class का फिजिक्स सब्जेक्ट 18th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक जो है टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल को पढ़ चुके थे, आज उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है। और ये जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, वो मेडिकल या आईआईटी से क्वेश्चन निकाला हुआ है, इसलिए आप इसको बारीकी से समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का कोशिश करें, समझे? तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। क्वेश्चन क्या है? टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। पहले तो ये वर्ड समझें, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में आप अपने मन से एक बैटरी को जोड़ दीजिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपने मन से ए और बी के बीच में एक बैटरी को जोड़ दे। और हम क्या जानते हैं बच्चों कि जैसा कि सीरीज में क्या सेम होता है, तो आंसर है सीरीज में चार्ज सेम होता है, और पैरेलल में क्या सेम होता है, तो आंसर है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। समझ आ गए? तो अगर ये वी वोल्ट का बैटरी हम मान लेते हैं, तो ये V वोल्ट का बैटरी जो है Q चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया, तो यहां से चार्ज गया 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 गया, फिर जब चार्ज यहां पे आएगा, इस चार्ज को ये दो रास्ता मिलेगा, ठीक है, कुछ चार्ज इधर जाएगा कुछ चार्ज इधर जाएगा। तो इस दोनों में आप क्या देख रहे हो, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जब कभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो चीज कैची में आता है, पैरेलल में। तो ये दोनों कैची में है, वो पैरेलल में है, ठीक है। यहां से मान लेते हैं कि 80 कूलम चार्ज गया, 80 कितना गया, 80, बारीकी से समझिएगा, यहां से ये बैटरी 80 कूलम चार्ज दिया, तो ये 80 80 80 80 80, बट यहां पे आके ये कुछ 40 चला गया इधर, कुछ 40 इधर चला गया, तो ये जो 40 इसमें गया, तो फिर यहां पे इस पॉइंट पे यहां से 40 आएगा, फिर इस पॉइंट से यहां पे 40 आएगा, समझ में आ गया, फिर इसमें किधर कितना जाएगा इधर, तो आंसर है 80। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें भी 80 गया, इसमें भी 80 गया, तो ये दोनों कैची में आ गया, सीरीज में आ गया, और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये कैची में आ गया, पैरेलल में आ गया, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग इसके सर्किट को फिर से रीअरेंज करेंगे। यही है इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने का तरीका, सर्किट को रीअरेंज करेंगे। तो पहले हम यहां से लेकर यहां तक के सर्किट को तोड़ दें, तो यहां पे सी और सी कैची में है बाबू, पैरेलल में है, कैची में है, पैरेलल में है। तो इसको समझिए, तो ए यहां है, इससे ये सी ये जुड़ा हुआ है, फिर यहां से लेकर यहां तक, तो ये सी सी को सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में कितना होता है, पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है, जुड़ता है, ऐड होता है, तो सीसी का कितना हो गया, 2C, तो ये 2C हो गया, 2C हो गया, फिर यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितना है, सी, फिर से वीडियो को अंत तक देखना ना भूले, ये सी, अब वहां पे क्या है, ये पॉइंट बी, बैटरी को हम ऐसे लगाए, ठीक है ना। अब देखो, फिर से ये V वोल्ट का बैटरी है, तो फिर से चार्ज दिया, तो मान लेते हैं 80 कूलम चार्ज, तो 80 कूलम चार्ज यहां यहां यहां, कोई अलग ब्रांच तो नहीं ना मिल रहा है, कहीं पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, आंसर है नहीं, तो जितना चार्ज इसको मिला उतना ही चार्ज इसको, उतना ही चार्ज इसको, तो ये तीनों कैची में आ गया वो सीरीज में, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज में चार्ज क्या होता है ना, सेम होता है, तो सी टू सी सी का सीरीज क्या होगा, तो 1/C इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है ना, 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/C, तो कितना हो गया ना, इसका एलसीएम 2C हो गया, 2 + 1 + 2, तो 1/C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 2 × 4 = 5, 5/2C, तो सी इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो सी इक्विवेलेंट इसको पलटेंगे तो यही पलटाएगा, आंसर है 2C/5। ये हमारा टाइप फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। पहला टाइप क्या है मेरा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, कितना वोल्टेज है, वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर।
और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद कितना आया है, 2C/5। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ये आप सर्किट देख रहे हैं, इस तरह का सर्किट है, हर का कैपेसिटेंस कितना है, C, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे 4, 2, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, हम C पे लेके बना रहे हैं डाटा, ठीक है। और हमको निकालना कहाँ है, निकालना कहाँ है पहले वो देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है कि निकालना कहाँ है पहले वो हम देखेंगे। तो बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी ये पॉइंट है, तो जहां निकालना है अपने मन से वहां पे एक बैटरी को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिए ये बैटरी, ठीक है, ए और बी के बीच। अब थर्ड स्टेप क्या है, तो बैटरी चार्ज देता है, मान लेते हैं, तो यहां से चार्ज गया, मान लेते हैं 70 कूलम चार्ज, मान लेते हैं, तो यहां पे 70, फिर इस पॉइंट पे आएगा तो चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट ना होगा, क्योंकि यहां पे तो ब्रांच दिख रहा है ना, एक शाखा इधर जा रहा है, एक शाखा इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ चार्ज गया और इसमें कुछ चार्ज गया, मान लेते हैं इधर 50 चार्ज गया, इधर 20 चार्ज गया, मान लेते हैं, तो इसमें 20 चार्ज, 20 ये खेल रहा है, समझ में आ गया ना, तो इसमें क्या हो रहा है ना, सेम चार्ज जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, आंसर है 50। तो आप क्या देखोगे, अगर चार्ज सेम हो तो वो चीज कैची में होता है, सीरीज में होता है, तो ये तीनों कैची में आ गया बच्चे, सीरीज में आ गया, ठीक है। फिर से हम सर्किट को अरेंज करेंगे, तो ए एंड बी को ऐसे ही रहने दे, ए एंड बी को ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सी, ए एंड बी के बीच में एक सी है, और इस तीनों को सॉल्व किए, तो ये तीनों कैची में, सीरीज में, तो सीरीज में सॉल्व करने का क्या तरीका, 1/C = 1/C + 1/C + 1/C, ये फॉर्मूला याद होगा ना, सी तो कितना हो गया, 1, 1, 1, 3, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3/C, तो अपन को निकालना क्या भैया, सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा ना, C/3, क्योंकि ये पलटाएगा तो ये भी पलटाएगा, तो ए और बी के बीच में ही इस तीनों को हटाएंगे, तो इसके बदले एक कैपेसिटर रखेंगे कितना का, तो आंसर है C/3 का, समझ में आ गया। फिर से हमको ए और बी के बीच में निकालना है ना, फिर से हम यहां पे क्या ऐड कर देंगे, एक बैटरी ऐड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर से सेम चीज, 70 कूलम ये बैटरी दे रहा है, तो 70 कूलम यहां पे भी 70, यहां पे फिर जाएगा कुछ चार्ज, इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो अब तो दो ही कैपेसिटर बचा ना, तो इसमें चार्ज, इसमें चार्ज अलग अलग जा रहा है ना, तो ये दोनों कैची में आ गया, पैरेलल में आ गया, कैची में आ गया, पैरेलल में आ गया, तो C/3 और C का पैरेलल क्या होता है, तो C=parallel के लिए फॉर्मूला क्या है, C1+C2+C3, तो C1 कितना है, C/3+C, तो कितना हो गया, 3C + 3C, तो C equivalent कितना हो गया, 4C/3, ये आंसर है। घर पे पॉज मार के ना फिर से करने का कोशिश खुद से करिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, अब हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, और ये बता दें कि IIT और मेडिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, प्लीज इसको फॉलो कीजिए और अच्छे से खुद पॉज मार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको ए और बी के बीच में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या सीखा भी, जिसके बीच में निकालना है उसमें बैटरी जोड़ दो, ठीक है। अब बैटरी क्या करता है, चार्ज देता है, तो ये चार्ज दिया, यहां से ये चार्ज गया 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 गया, फिर इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि दो डायरेक्शन है, यहां से मान लेते हैं कि 70 कूलम चार्ज गया, 70 कूलम, तो यहां पे आते ही कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, तो अगर मान लेते हैं इधर 30 कूलम चार्ज गया, तो इधर 40 कूलम गया हुआ ना, तो ये 40 कूलम इसमें गया 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 गया, तो इसमें 40 कूलम, तो इसमें कितना बाबू, तो आंसर 40 कूलम गया, ठीक है। तो ये 40 कूलम, ये 40 कूलम, तो ये दोनों कैची में आ गया, तो आंसर है सीरीज, किसमें आ गया, सीरीज। तो पहले हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ए यहां है, बी यहां है, ए से ये सी,
ठीक है, फिर यहां से ये सी, फिर यहां से ये सी, फिर यहां से इस तार को सॉल्व करेंगे तो कितना सीसी सीरीज में है ना, तो सीरीज में सीसी का सीरीज क्या होता है, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, सी 1+1 तो 2/C, सी बाई टू, सी इक्विवेलेंट कितना हो गया सी बाई टू, इसको पढ़ेंगे तो ये पलट आएगा। तो यहां से लेकर यहां तक जो ये तार है इसको हम लोग इक्विवेलेंट तार लेते हैं और कितना देते हैं कैपेसिटेंस, इस तार को बैलेंस कर दिया सी बाई टू, समझ में आ गया। फिर से हम सॉल्व करेंगे, फिर से बैटरी के बीच में हम क्या इसके बीच में ए और बी पॉइंट के बीच में क्या लगाएंगे, बैटरी लगा दिए, फिर से सेम कॉन्सेप्ट, इसमें जितना चार्ज गया इसमें चार्ज कितना मान लेते हैं 70 कूलम, तो इसमें भी 70, फिर से यहां पे जाके ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा चार्ज, तो बट जाएगा चार्ज तो क्या करेंगे बाबू, ये दोनों कैची में आ गया पैरेलल में आ गया, समझ में आ गया ना। तो आप साइड से सर्किट को सॉल्व करते हुए आइए, तो ये दोनों कैची में आ गया पैरेलल में आ गया। तो अब यहां से लेकर यहां तक के तार को सॉल्व करेंगे तो सी सी बाई टू पैरेलल में है, तो पैरेलल में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना सी प्लस सी बाई टू यानी 3C/2। तो यहां से यहां तक के तार के बीच में हम लोग एक 3C/2 का कैपेसिटर ले लिए, इसके बदले ले लिए। अब यहां से यहां तक क्या है ना सी है, यहां से यहां तक क्या है ना सी है, ठीक है, और यहां पे एक बैटरी फिर से जोड़ दिए, ठीक है। अब ये बैटरी फिर से 70 कूलम चार्ज देगा, तो जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा, क्योंकि अब तो कोई दूसरा अरेंजमेंट है नहीं, तो ये सी 3C/2 और सी ये कैची में आ गया, तो आंसर है ये तीनों सीरीज में आ गया, किसमें आ गया सीरीज में। और सीरीज में सॉल्व करने का फॉर्मूला अपन के पास क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/3C/2 प्लस 1/C, यही है ना, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 2/3C प्लस 1/C, 1/C इक्विवेलेंट सी एलसीएम हो जाएगा, तो 3C LCM हो ना, तो कितना हो गया 3 + 2 + 1, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/3C, तो यहां से आप लिख सकते हो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 3C/6, पलटेंगे ना, तो कितना हो गया सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/2, समझ आ गए, यही आंसर है। तो बार बार बोल रहा है क्वेश्चन को बारीकी से कीजिए, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कैसे सर्किट को तोड़ के फिर से अरेंज करते हैं। जब तक सर्किट को तोड़ के रीअरेंज करना नहीं सीखेगा तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। सर्किट को तोड़ के रीअरेंज करना करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम तब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ए और हाँ, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। अब यहां पे हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों के बीच में एक बैटरी को जोड़ देंगे, ठीक है। इस बैटरी को जोड़ दिए, वी वोल्ट का बैटरी है ये। अब ये मान लेते हैं कि 70 कूलम चार्ज दे रहा है, तो यहां पे जाके ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि 50 कूलम चार्ज इधर गया 20 कूलम चार्ज ये गया, तो ये 50 कूलम चार्ज इसमें कोई ब्रांच नहीं मिल रहा है यहां से यहां तक, तो ये दोनों कैची में आ गया सीरीज में आ गया। कोई ब्रांच मिलता तब सोचते, लेकिन ब्रांच नहीं मिला तो ये दोनों कैची में आ गया सीरीज में आ गया। तो अब हम इस सर्किट को फिर से रीअरेंज करते हैं, ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर का, और यहां से यहां तक यानी इस वायर को अगर अरेंज करेंगे तो सीसी कैची में है सीरीज में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, तो सी 1+1, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना होगा
तो 2 बाई सी, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 बाई सी, तो ए और बी के बीच में कितना हो गया ये सी बाई टू। अब फिर से हम इसके बीच में क्या लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है, वी वोल्ट का बैटरी। फिर से ये 70 कूलम चार्ज दिया, फिर से ये चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इसमें कुछ चार्ज मिलेगा, इसमें कुछ चार्ज मिलेगा, तो ये दोनों कैची में आ जाएगा, पैरेलल में आएगा। तो C by 2 और C का पैरेलल क्या होता है, तो C equivalent equal to C by 2 plus C, तो कितना हो गया 3C by 2, यही आंसर है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब ऊपर बढ़े हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है मेरा, ये सर्किट है। तो पहले इसमें आपको इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन, एम एंड एन के बीच में आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एम और सी के बीच में निकालना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जिसके बीच में निकालना है उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, एम एंड एन, तो एम एंड एन के बीच में एक बैटरी लगा देते, ठीक है, ये बैटरी लगा दी है। अब गौर से देखिएगा, तो यहां से अगर ये 70 कूलम चार्ज जाएगा तो यहां पे इसको तीन रास्ता मिलता है, एक ये रास्ता मिला, एक ये रास्ता मिला, एक ये रास्ता मिला, तीनों में चार्ज अलग अलग जाएगा। तो यहां से यहां तक, जो यहां से यहां तक इस वायर में कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो यहां पे दो, इस तार में कितनी कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है ना, तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये दोनों कैची में आ जाएगा सीरीज में। आप देखो इधर भी जो चार्ज जा रहा है तो इसमें भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये सिंगल तार है, कोई ब्रांच नहीं है, तो ये दोनों भी कैची में आ जाएगा सीरीज में आ जाएगा, ये भी क्या किसमें आ जाएगा सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको और इसको सॉल्व कर ले, तो देखिए M M पॉइंट यहां है, N पॉइंट यहां है, तो यहां से लेकर यहां तक जो तार है M से C के बीच में, और C पॉइंट यहां है, तो M से C के बीच में जो ये तार है 8-8 सीरीज में है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8-8 का सीरीज कितना होता है 4 करके देख लेते हैं, तो 1/8 + 1/8 तो कितना हो गया 8, 1 + 1 तो कितना हो गया 2/8, इसको पलटेंगे तो 8/2 यानी कि 4, तो ये कितना हो गया 4 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर, ठीक है। अब इस तार में सॉल्व करेंगे तो ये कितना है 8, 8 का 4 यानी M से C ही है ना, तो M से C, तो ये भी 4 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, ठीक है। और C से M ये कितना है 8 माइक्रोफैराड, और M से N एक है, कितना है 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब फिर से हम बैटरी को ऐड करेंगे, यहां से बैटरी को ऐड कर दीजिए, फिर से बैटरी 70 वोल्ट दिया, तो यहां पे जाके इसको तीन यानी इधर मिला, इधर मिला, इधर मिला, तो आप ये देखोगे कि ये दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, तो ये दोनों कैची में आ गया सीरीज में आ गया। आप क्या करोगे ना, बैटरी से दूर होते हुए सर्किट को शॉर्ट करते हुए चलोगे, ठीक है। तो ये 4 कैची में आ गया, तो आंसर है पैरेलल में आ गया, पैरेलल में। तो M और C के बीच में यहां पे ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, और ये पॉइंट C है, तो M और C के बीच में 4-4 ये कैची में है, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 8 पैरेलल में ऐड होता है ना 8 माइक्रोफैराड, और ये C से N कितना है 8 माइक्रोफैराड, और ये M से N कितना है 8 माइक्रोफैराड, ठीक है।
फिर से यहां पे एक बैटरी को ऐड करेंगे हम, फिर यहां पे जाएगा इस पॉइंट पे, फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर इधर। तो आप देखो इधर अगर मान लेते हैं ये 70 कूलम चार्ज दिया, तो इधर 50 कूलम चार्ज, तो इधर कितना 20 कूलम चार्ज। अब देखो 20 कूलम चार्ज ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, कोई अलग ब्रांच तो नहीं मिला इस दोनों के लिए, तो ये दोनों कैची में आ गया, सीरीज में आ गया। किस चीज में आ गया? तो आंसर है सीरीज में आ गया। तो 8-8 का सीरीज क्या होता है? तो आंसर है 4। आप सॉल्व करके देख लोगे तो कितना होता है 4। तो M और N पॉइंट को फिर से आप बनाओगे यहां पे M और N पॉइंट, और तो M और N पॉइंट के बीच में ये क्या है 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ठीक है, और ये क्या है 8 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। फिर से आप बैटरी लगाओगे इस बीच में। अब ये सर्किट आपको आसान लग रहा होगा, तो अब 4 और 8 कैची में है, तो आंसर है पैरेलल में है। तो 4 8 कितना होता है 12 माइक्रोफेरेड, यही है आंसर। तो ये किसके बीच में है? M और N के बीच में, कितना 12 माइक्रोफेरेड आया। अब इसी क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड C इसके बीच में, तो देखते हैं। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना M एंड C के बीच में, M एंड C के बीच में। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? M एंड C के बीच में बैटरी को ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? तो M एंड C के बीच में आप कैची को ऐड कीजिएगा, बैटरी ऐड करेंगे। कर दिए। अब देखिए बैटरी चार्ज देता है, तो मान लेते हैं 70 कूलम चार्ज यहां से आया, यहां 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 आया, यहां तक कितना आया 70 कूलम। अब ये 70 कूलम चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, M एंड C के बीच में निकालना है ना, तो इसको ऐसे ही रखना है आपको, समझ में आ गया। और तोड़ेंगे किसको? इसको और इसको। फिर से एक बार, जिसके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है उसको ऐसे ही रखना है, और तोड़ना किसको है? उसके बाद वाले को। जैसे यहां पे सर्किट जो रीअरेंज करेंगे, तो सबसे पहले M एंड C आप यहां पे ऐसे ही बना दें, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे जो चार्ज यहां पे मान लेते हैं 30 कूलम चार्ज गया, यहां पे 20 कूलम गया, 30 20 50, यहां पे भी 20 जाएगा। तो जो चार्ज इसमें गया, तो इस दोनों कैपेसिटर में चार्ज सेम गया कि अलग अलग गया? तो आंसर है सेम गया। तो M और C के बीच में 8-8 कैची में आ गया, आंसर है सीरीज में आ गया। अच्छा 20 कूलम जो चार्ज यहां पे ऐसे गया, तो वही चार्ज तो इसमें गया, फिर ना ये ऐसे आएगा, तो ये दोनों भी कैची में आ गया, आंसर है सीरीज में। फिर जो चार्ज इसमें गया, तो उतना ही चार्ज में ये दोनों कैपेसिटर में गया, तो ये दोनों भी कैची में आ जाएगा, सीरीज में। तो M एंड C से देखिए इस तार को पहले शॉर्ट कीजिए, तो 8-8 का कितना आएगा, तो सीरीज में है ना, तो सीरीज में 8-8 का कितना हो जाएगा 4, 5-5 का कितना हो जाता है सीरीज में, ढाई, आधा हो जाएगा। फिर M और C के बीच में ये 8-8 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। M एंड C के बीच में इस 8-8 का कितना हो जाएगा, आंसर है 4। समझ में आ गया? अब फिर से बैटरी को जोड़ देंगे M और C के बीच में, ठीक है। अब फिर से ये V वोल्ट के बैटरी को जोड़ दिए, तो यहां से चार्ज गया, फिर से ये चार्ज तीनों में ब्रांच निकल रहा है ना, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये तीनों कैची में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो 4-4-4 ये तीनों पैरेलल में है ना, तो 4-4-4 का पैरेलल क्या होता है 12, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया 12 माइक्रोफैरेड आंसर। समझ आ गया? चलिए तो आप लोग फिर से पांचों क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से बनाइएगा और अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, ठीक है, अच्छे से बनाइएगा और बारीकी से बनाइएगा, पॉज मार के फिर से इसको खुद से कोशिश कीजिएगा। तो फिर से हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।